Assalamu alaikum, my name is Hasan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is Hot Bites. Assalamu alaikum, Amna. Ji, wa alaikum assalam, Hasan. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है. क्या आज के टॉपिक्स हैं आपके? सुना है काफी आपने आज रिसर्च की है दो तीन टॉपिक्स के ऊपर. मैंने सिर्फ एक टॉपिक पे रिसर्च की है इस हफ्ते. फोर्ब्स की एक इनॉग्रल लिस्ट आई है जिसमें दे हैव गिवन आउट अ लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल सोशल मीडिया स्टार्स फ्रॉम एशिया. ओके, एंड इट्स द फर्स्ट टाइम दैट दे हैव कम अप विद दिस लिस्ट. एंड एशिया वुड बी द एंटायर साउथ एशिया, द एंटायर पैसिफिक रिम एंड ऑस्ट्रेलिया. ओके, तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लिस्ट. उस पे तीन हमारे चमकते हुए सितारे जो हैं उनमें उनकी भी नाम है, जिनमें से एक आतिफ असलम है, एक मायरा खान है और एक एमन मुनीब. जी, तो इन तीनों के नाम है. सो आई मीन मैं तो वही पढ़ती रही हूँ पिछले दो दिन. और फिर क्या 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 हसन क्या? बात यह कि हम अक्सर अक्सर क्या हर हफ्ते हफ्ते में दो बार पाकिस्तानी ड्रामों के ऊपर तबसरा करते हैं, रिव्यू करते हैं एंड इन मोस्ट केसेस क्रिटिसाइज करते हैं, उनके फ्लॉज पॉइंट आउट करते हैं. तो रिसेंटली मुझे इत्तेफाक हुआ द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स देखने का. तो जब वो मैंने देखा तो मुझे कुछ ख्यालात आए मेरे दिल में और मेरे दिमाग में. कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है बिल्कुल इसी तरह जी. तो मैंने कहा कि यार कि ये जो ख्यालात और मेरे एहसासात जागे हैं जी, ये मुझे आपके साथ भी डिस्कस करने चाहिए. जज्बात तो नहीं जागे आपके? जज्बात भी कुछ जागे, कुछ जागे जज्बात. जी, जी, जी. मैं आपको बताऊंगा किस तरह के जज्बात जी. ठीक है, तो मैंने सोचा कि वो डिस्कस करना आपके साथ जरूरी होगा इन द कॉन्टेक्स्ट के I mean, we're reviewing content, right? Yeah. हम एक तरफ पाकिस्तानी कंटेंट को रोज रिव्यू कर रहे हैं, but at the same time, are we even aware कि दुनिया में हो क्या रहा है, बाकी तरह में किस तरह का? Of course, we're watching content. Everybody is watching content. Mm-hmm. But it's very rare that we talk about content from outside of Pakistan, mm-hmm. right? So I thought it would be appropriate mm-hmm. के इस context में हम देखें कि of course पाकिस्तान में भी content create हो रहा है, जी. but then internationally किस तरह का content create हो रहा है जो कि देखा जा रहा है. And I'm talking about The Fabulous Lives of Bollywood Wives इसलिए because it's been trending on Netflix जी. And जहाँ पे trending की बात आई and you know we were talking about 365 days जी. Now you watched it and of course after that conversation I was like यार देखते हैं कि क्या ऐसी क्या उसमें खास बात है. तो मैंने 365 days भी देखा and of course there's a lot to talk about 365 days again as well in the context of the content that is being created in Pakistan. इस पूरी कॉन्वर्सेशन को हम कैसे आप तक पहुंचाएंगे और जब हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इन ड्रामों को या इन सीरीज को या इन शोज को हम कैसे एनालाइज या रिव्यू करेंगे, इस पूरी डिस्कशन के ऊपर आते हैं इस छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. हाँ जी आमना, आप जी किस टॉपिक से शुरू बात करना जो आप कहें हैं सर? मेरे ख्याल में इस फोर्ब्स की जो लिस्ट आई है जी उससे बात कर लेते हैं. रिसेंटली मायरा मेड इट टू द बीबीसी लिस्ट एज वेल. जी, मायरा मेक्स इट आई थिंक टू एवरी लिस्ट दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस. एक्चुअली तीनों जो सेलिब्रिटीज हैं उनका इस लिस्ट पे आना इज अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर अस. एक वक्त ऐसा था कि शायद कोई भी ना आता, बट बड़ा क्लियरली मैंने पढ़ा कि फोर्ब्स ने लिस्ट किया और एक्सप्लेन किया कि वॉट made these people qualify, these 100 people, why did they qualify to be on this list? So it was their social media numbers, also related to the kind of influence they have on their viewers in terms of responsibility, in terms of endorsements, in terms of influence, then of course their philanthropy and the social causes that they take up, especially with relevance to COVID. So maine padha kafi sara aur kuch aise bhi hain jo ke कोई एक अदर प्रोजेक्ट उन्होंने ऐसा किया जिसको मिलियंस ऑफ व्यूज यूट्यूब पे मिले या इट्स ऑल सोशल मीडिया ड्रिवन. सो आई वाज रियली हैप्पी टू सी ऑल थ्री सेलिब्रिटीज ऑन आवर फ्रॉम पाकिस्तान ऑन द लिस्ट. हाउएवर ऑफ कोर्स आई हैव अ कंसर्न. हाँ जी प्लीज. मेरी कंसर्न ये है कि मायरा विद हर ऑलमोस्ट 7 million फॉलोअर्स इज एक्चुअली द मोस्ट वोकल पर्सन अबाउट एनी कॉज दैट नीड्स एंडोर्समेंट. Whether it's COVID or it's safety or it's women's rights or it's child abuse, kuch bhi hota hai, plight of the refugees, UNHCR ki bhi wo brand
a goodwill ambassador for United Nations. Shaukat Khanam ki, she's one of the faces who support Shaukat Khanam for breast cancer awareness. So she is involved in a lot of causes and she puts her weight behind them, and that's great. But bahut rare hai Myra Khan. Ab Atif jo hai, unki bhi massive following hai, massive. I would like to see Atif being a little more vigilant and putting his weight and his following and his influence behind good causes as well. Because unka maine padha ki unko nominate kiya, unka naam isliye tha list pe ki unhone is saal jo Asmae Husna padha tha in the beginning of the year, uski wajah se it got like 22 million hits on YouTube and it gave hope to people in the time of COVID. Hope in religion and hope, and that's great. That's great. But what are the causes that Atif is endorsing or supporting, you know? Hame nahi milta. Similarly, Ayman jo hain, unki bhi, mere khayal hai, she's one of the highest following hai unki. Nearly 8 million. 7.7 million, right? Unki, she has the highest following in Pakistan. So what is she doing with that following? It's great that they've been given this recognition, because mere khayal hai, recognition milti hai, phir banda thoda sa sochta hai. Ki yaar, recognition mil gayi hai, ab main kya karun? बिकॉज अगर 8 मिलियन लोग आपको फॉलो कर रहे हैं तो आप हाउ आर यू बींग रिस्पॉन्सिबल अबाउट इट. ठीक है, यू हैव अ क्लोदिंग लाइन, यू हैव एमन मिनाल क्लोजेट आपकी लाइन है, बट इट्स नॉट वन ऑफ दोज. सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, आपका क्या इम्पैक्ट है सोसाइटी? अच्छा, मेरा इस पर पता है एक और इससे रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि जब आप एक्टर्स को इस लिस्ट पर डालते हैं ना, एंड श्योर आई अंडरस्टैंड एंड एक्नॉलेज जो आप बात कह रही हैं कि एक एक्टर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या एक स्टार की कह लें चले, वो ब्रॉडन हो जाती है फ्रॉम जस्ट एक्टिंग. उनका एक सोसाइटी की तरफ इम्पैक्ट होता है और फिर ऑब्वियसली अगर सोशल मीडिया पे उनकी बड़ी जबरदस्त फॉलोइंग हो तो फिर व्हाट डू दे डू विद दैट फॉलोइंग. माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दैट इज एक्चुअली द रिवर्स, कि यार एक एक्टर अपनी एक्टिंग की वजह से स्टार बनता है ना, असूलन तो ऐसा होना चाहिए. विद मायरा, विद आतिफ, दे हैव गॉट यू नो ग्रेट अमाउंट ऑफ वर्क बिहाइंड देम, राइट? श्योर. फिल्में भी की हैं, मायरा ने ड्रामे भी किए, आतिफ ने चार्ट बस्टर्स, मतलब कब से वो गाने कर रहे, सब कुछ कर रहे, फिनोमिनल. एमन ने अपना आखिरी ड्रामा किया था 2018 में जी. पिछले दो सालों में 2020 खत्म हो गया, उन्होंने दो सालों में काम ही नहीं किया जी. सो या तो फिर आप अपने आप को, और मैं खाली एमन की बात नहीं कर रहा, मैं फोर्ब्स की बात करूं, कि या तो फिर उन लोगों को वो अवार्ड करें जो कि अपने आप को पोजीशन ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स करते हैं. लेकिन अगर आपने एक्टर्स को लेके आना है तो फिर उनकी एक्टिंग स्किल या उनके जो जो प्रोजेक्ट्स का इम्पैक्ट है उसको भी इन कंसिडरेशन मेरे हिसाब से लाना चाहिए. नहीं, बहुत सा उन्होंने लिया भी है. मैंने पूरे आतिफ के केस में आप सही कह रही हैं, बिल्कुल. बट एमन के केस में हर लास्ट प्रोजेक्ट केम आउट इन 2018. या सो इफ शी इज बीइंग एक्सेप्टेड ऑन द लिस्ट एज एन एक्टर, तो फिर वेयर इज द इम्पैक्ट ऑफ हर वर्क? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. एंड आई अंडरस्टैंड कि आप कह रही हैं कि अपार्ट फ्रॉम द वर्क सोसाइटी के ऊपर भी आपका इम्पैक्ट होता है, और मतलब उनका वो भी नहीं है, उनका वो भी नहीं, उनका है. वो भी नहीं है. सो व्हाट इज लाइक व्हाट वाज द क्राइटेरिया फॉर दी, आपने कह रही हैं आप रिसर्च ज्यादा की है इसके ऊपर, तो फोर्ब्स का क्या क्राइटेरिया? यही क्राइटेरिया था उनका, एग्जैक्टली यही उनका क्राइटेरिया. नहीं, फिर तो बेसिकली क्राइटेरिया ये हो गया कि इंस्टाग्राम पे सब, ऑब्वियसली दे कुडंट इग्नोर मिनाल बिकॉज शी इज गॉट द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉलोअर्स फ्रॉम पाकिस्तान. सो दे कुडंट हैव इग्नोर्ड हर. नो, दे कुडंट हैव इग्नोर्ड हर. आई थिंक दैट्स इट. बट बिकॉज इफ, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, बिटवीन एमन एंड मिनाल में अगर आप देखें, मिनाल इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क यार. एंड मिनाल के अगर आप ड्रामों की खाली बात करें, ठीक है, क्रिटिसिज्म असाइड, बट द काइंड ऑफ व्यूज दैट जलन एंड नंद आर गेटिंग. Although I don't think that her character in Jalan and Nand is going to get her recognition. Yeah, but if this is the barometer, yaar, ki number of views. Number of views for a good cause hai. Like Asmae Husna was a beautiful cause. Aap hope de rahe hain, you know. Aap hope de rahe hain, aap religion de rahe hain, aap spirituality de rahe hain. That's something like that. To ab kis cheez par numbers aa rahe hain? Matlab वही बात है ना कि 365 पे तो आपको व्यूज आ रहे हैं, नंबर्स भी आ रहे हैं, मगर इट्स नॉट समथिंग दैट्स गोइंग टू मेक इट टू अ टॉप लिस्ट, राइट? अच्छा, नंबर ऑफ व्यूज फॉर अ गुड कॉज, अगर फिर एमन के केस में गुड कॉज है एमन मिनाल क्लोजेट, जिसको उन्होंने मेंशन भी किया है, व्हिच इज गॉट अराउंड 2.5 लाख फॉलोअर्स, दैट्स नथिंग फॉर देम. I mean, that's not that's for Ayman and Minal. I mean, Ayman's got nearly 8 million and Minal's also got nearly 8 million. So together they've got 16 million on their personal profile. I actually didn't want to be the fly in the ointment for Ayman and say ki yaar unko kyun mila hai. Ab mera ye anger nahi, mera ye anger nahi, ye baat ye question uthta hai ki unko kyun kiya hai.
क्योंकि उनके पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मैं तो ये भी सवाल है कि क्यों फॉलोअर्स हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले साल काम ही कोई नहीं किया, ठीक है ना। तो ये बड़ा क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन उठता है, तो मैं इस चीज पर तो जा ही नहीं रही कि क्यों हुआ है। मैं ये कह रही हूँ कि अब हो गया है, नाउ व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद इट। नहीं देखें मेरा टुडे एंड टुमारो। अच्छा एक और बात है, आप ये छोड़ दें सोशल कॉजेज छोड़ दें, ठीक है, बिकॉज बहुत से लोग सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए सोशल कॉजेज के साथ अटैच होते हैं। इट्स अ राइट थिंग टू डू, एवरी ब्रांड एंड एवरी इंडिविजुअल इज अ ब्रांड। हर ब्रांड को, बेशक वो इंसान हो या कॉरपोरेशन हो, उनको CSR चाहिए अपने साथ अटैच्ड। वो छोड़ दें, सोशल कॉजेज छोड़ दें। इट इज़ टाइम दैट दीज पीपल विद मैसिव इन्फ्लुएंस स्टार्टेड कॉलिंग द शॉट्स ऑन ड्रामाज एंड कॉन्टेंट प्रोडक्शन। ये अब वो नहीं है बेचारे जो कहें कि ओ प्रोड्यूसर ये कह रहा है हमें काम नहीं मिलेगा। नहीं, आप लोगों के पास जितना पावर है ना, इफ़ यू डिक्टेट एंड यू कॉल द शॉट्स टुडे, यू हैव द पावर टू डू इट। मेरा ये एंगल है। कैसे आप ये बात कैसे पावर कैसे आती है आपको पता है? स्पेशली हम इन अ सोसाइटी लाइक आज पैसे की वजह से। इनको पैसा कहाँ से आ रहा है? इनको अपनी इंडोर्समेंट से आ रहा है, राइट? इंडोर्समेंट से इसलिए आ रहा है बिकॉज ये ड्रामे कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट्स में नजर आना बंद हो जाए, इनको इंडोर्समेंट आना बंद हो जाएंगी। मिनाल की 6.5 मिलियन फॉलोइंग है, ठीक है हसन। अगर वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर और राइटर को कहती है जलन में कि यार ये थप्पड़ मैं नहीं खाऊंगी स्क्रीन पे, आई एम फाइन विद एवरीथिंग एल्स, ये थप्पड़ मैं नहीं खाऊंगी, आई पुट माई फुट डाउन, और वो कहते हैं नहीं खाओगी, गेट आउट ऑफ द प्रोजेक्ट, और वो चली जाती है सोशल मीडिया पे और वो कहती है कि आई हैव बीन किक्ड आउट बिकॉज ऑफ दिस, यू थिंक पीपल वॉन्ट सपोर्ट हर? ब्लडी हेल दे विल। अपरोर हो जाएगा पूरा। Yeah. इनको सिर्फ हिम्मत करने की जरूरत है। We've seen examples जहां पे वो वक्त और औरतें सेक्सुअल हैरेसमेंट की एलिगेशंस लेके आई हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो वो आप वक्त ये और था। कौन सा और था? हमने 6 महीने साल पहले का नहीं, 2 साल पहले, 2 साल में सिचुएशन बदल गई है। अच्छा, आई थिंक दे हैव द पावर टू इट। आई थिंक दे हैव द पावर टू चेंज, एंड इट्स नॉट जस्ट वुमेन बाय द वे, इट्स मेन एज वेल। आई थिंक दे हैव द पावर टू चेंज, आई थिंक दे हैव द पावर टू मेक अमेंडमेंट्स टू द रूल्स, टू से इवन अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें, क्लॉजेस डालो कॉन्ट्रैक्ट्स में, ये सब कुछ है। आपने मिनाल वाली बात की, फॉर एग्जांपल मिनाल या कोई भी ऐसी एक्ट्रेस जिसके 6 मिलियन, या बहुत सारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं जिनके 6 मिलियन से ऊपर की फॉलोइंग है, इट्स नॉट जस्ट मिनाल। कोई भी हमारी एक्ट्रेस कल को जिसके 6.5-7 मिलियन फॉलोअर्स हैं, वो जाके कहती है कि मैं थप्पड़ नहीं खाऊंगी और मैं you know, I will not be part of this project. And producer कहता है कि okay, get out, I'm not taking you in this project. वो जाके social media पे announce कर देती है. Then what? अगली बार उसके साथ किसी ने काम नहीं करना. ये बदलेगा ना, यही तो कैसे बदलेगा? वो तो बेचारी unemployed होगी ना for the rest of her life. This is the fear with which we are living. It's a real thing. No, but this is a vicious cycle, Hasan. This is a vicious cycle that forget the industry, forget the entertainment industry. If I'm working in a corporation and I go and I complain about my boss and I get kicked out or mera report kharab kar de, mujhe kahin naukri nahi milegi. To nahi milegi aapki, to fir ek point aayega. Something has to change. Things have to change from where the power lies. And the power lies with the TV channels and these production houses who are actually creating content and who are saying that we are creating content based on the TRPs, and the TRPs are coming from the viewers. Well, I'm sorry, I disagree. I think that these people have a lot of power. I think social media power. मैं यार government stopper हो जाती है social media में. Production house क्या चीज़ है? 2 project नहीं मिलेंगे, change तो कहीं ना कहीं से आएगा. और ऐसे ही आएगा. और आएगा. चले अच्छा. All you social media stars, you have the power for this change. हम चाहते हैं कि change is always uncomfortable. हम चाहते हैं कि change आए. But मैं going back to my earlier argument कि जैसे आपने कहा सोशल मीडिया स्टार्स, वो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, वो सिर्फ स्टार्स हैं, वो एक्टर्स हैं, हाउ डू दे वांट टू पोजीशन देमसेल्व्स? आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम ये बात करें। सो द लिस्ट इटसेल्फ इज कॉल्ड डिजिटल स्टार्स। आई मीन डिजिटल स्टार्स, इट्स नाइस, आई मीन दिस इज अ न्यू एवेन्यू दैट्स बीइंग एक्सप्लोर्ड, पहले नहीं था। बट मेरे हिसाब से पर्सनली इफ यू आस्क मी, अ स्टार इज अ स्टार। डिजिटल स्टार क्या होता है और नॉन डिजिटल स्टार क्या होता है? स्टार फिर स्टार होता है। जब वो चल के आता है तो आपकी आंखें भी खुल जाती हैं, जब वो इंस्टाग्राम पे भी फोटो लगाता है तब भी आपकी आंखें खुलती हैं, जब उसका आप काम टीवी के ऊपर देखते हैं तब भी आपकी आंखें। एब्सोल्युटली। तो मेरे लिए तो स्टार वो होता है जो ट्रेडिशनल एक डेफिनेशन है स्टार। स्टार स्टार है और या बट फूड फॉर थॉट है। आप ये इस बात पे अग्री करेंगे ना कि अब मायरा खान डिक्टेट कर सकती है ना कि थप्पड़ खाएंगी कि नहीं खाएंगी?
मायरा कर सकती है, बट मायरा अपने सोशल मीडिया फॉलोइंग की वजह से नहीं कर सकती. नहीं नहीं, मगर इट्स द स्टार दैट शी, स्टार एग्जैक्टली. तो अपने आप को एज अ स्टार वहां समझें. इफ मायरा खान वर जस्ट अ डिजिटल स्टार, वुड यू थिंक शी विल हैव दिस पावर दैट शी डज? आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एज जस्ट अ डिजिटल स्टार एक्चुअली, बट दैट्स द थिंग ना, इट्स द वर्क यू डू विद दैट डिजिटल प्रेजेंस. वी कम फ्रॉम अ स्कूल ऑफ थॉट वेयर वी डोंट थिंक दैट देयर इज अ थिंग, बट इट्स सम, इट्स व्हाट यू डू विद दैट डिजिटल प्रेजेंस दैट मेक्स यू डिजिटल स्टार. खाली अपनी तस्वीरें लगाने से कोई स्टार नहीं बनता, इट्स व्हाट यू डू विद इट, व्हाट काइंड ऑफ एंडोर्समेंट्स आर यू गेटिंग. बट देन द अल्टरनेट आर्गुमेंट इज दैट पीपल मेक यू अ स्टार, राइट? सो अगर आपके 8 मिलियन 9 मिलियन 10 मिलियन 15 मिलियन 20 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, तो वो कुछ ना कुछ आप कर रहे हैं जिस वजह से आप हैं ना, आप वो सोशल मीडिया सोशल कॉजेस हैं के फेक फॉलोअर्स हैं. हाँ, बट इतने मेरे ख्याल में इतने मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकते, बिकॉज एंगेजमेंट और वो सारी चीजें आपको नजर आ रही होती हैं. अगर मतलब किसी के 10 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उसकी पिक्चर पे 100 लाइक्स हैं और 1000 लाइक्स हैं, तो फिर तो समझ में आता है कि फेक है. बट विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स, इफ यू गॉट मिलियंस ऑफ लाइक्स एज वेल, तो देन इट कांट बी ऑल फेक ना. सो दैट्स द थिंग. आई मीन एनीवे, आई थिंक इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन. आई फील इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, दिस एंटायर सोशल मीडिया थिंग इज इंटरेस्टिंग. इट्स इंटरेस्टिंग, सर्टेनली सर्टेनली वेरी इंटरेस्टिंग. एनीवे, मूविंग ऑन टू नाउ द अदर टॉपिक. जी, इट्स एक्चुअली अ टू पार्ट conversation. Have you seen The Fabulous Lives of Bollywood? I have, unfortunately. What's your take on it? I found it very superficial, very pretentious, very flaky, very annoying at times, all of that. देखें, अब ये जो reality TV हम देखते हैं और ये जो content create हो रहा है, अब मैं देख रहा था ये जो series आई है, नहीं प्रोड्यूस बाय करण जौहर, ऑब्वियसली तो करण जौहर को काम करेंगे तो वो तो राजा दिन लाइफ हो गई और पैसे भी खर्च होंगे बहुत ज्यादा, पैसे हो गए उसमें खर्च, रोज रॉयसे भी होंगी और आप मॉन्डेलिन में जाके ठहरेंगे और सारा कुछ करेंगे और वहां पे बिगेस्ट स्वीट लेंगे. बट बीइंग दैट 90s किड हु इज ग्रोन अप वॉचिंग बॉलीवुड एंड जो वो, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तानी फिल्में बनती नहीं थी, बन रही थी तो उस क्वालिटी की नहीं बन रही थी कि बंदा जाके देखे फैमिली के साथ सिनेमा में बैठ के. तो उस वक्त नई नई डिश आई थी, अब डिश के ऊपर जी सिनेमा चलता था, सोनी टीवी चलता था, जी टीवी. मैंने तो 1981 में रॉकी देखी थी फैमिली के साथ. रॉकी 81 में देखी थी, 8 इयर्स ओल्ड, आई रिमेंबर वॉचिंग रॉकी. तो इसमें मैं तो अक्सर कहता हूँ कि इसमें मेरा क्या कसूर था, कि अगर मैं, ऑफ कोर्स पीटीवी पे जो ड्रामे लगते थे वो भी हम देखते थे रात को 8 बजे फैमिली के साथ बैठ के, बट जो उस वक्त मेरे ग्रोइंग अप फेज में जो इन्फ्लक्स था उस वक्त एंटरटेनमेंट कॉन्टेंट का, वो प्राइमरली आपकी इंडियन फिल्में जो हम VCR पे लगा के और बैठते हैं, वुड बी लाइक अ बिग डील कि अच्छा आज फिल्म देख रहे हैं. सो मेरे लिए अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द 80s, क्योंकि फिर जी टीवी जी सिनेमा पे 80s की फिल्में भी लगा करती थी दोपहर को, तो हम देखते थे 80s में आपके कौन से बड़े स्टार्स थे, आपका अनिल कपूर था, आपका जैकी श्रॉफ था, 81 में संजय दत्त अगर आया तो संजय दत्त आपका बड़ा स्टार था. एंड देन ऑफ कोर्स आपके उस वक्त जो थोड़े बुजुर्ग होते जा रहे थे, बच्चन साहब भी फिल्में अपनी कर रहे थे, विनोद खन्ना भी कर रहे थे, धर्मेंद्र भी कर रहे थे, ये आपके 80s के बड़े स्टार्स थे, राइट? 90s में आपके बड़े स्टार्स शाहरुख खान आए, सलमान खान आए, आमिर खान आए, अक्षय कुमार आए, सैफ अली खान आए, ये आपके स्टार्स हैं. I hope this discussion has something to do with the fabulous lives जो आप बात करना चाह रहे हैं. ऋतिक रोशन आए, जी, ठीक है, जी. Now you come to the fabulous lives of Bollywood wives. जी. Who are the Bollywood wives here? नीलम की फिल्में देखी, मैंने बहुत एंजॉय की नीलम की फिल्में, एंड आई इवन हैड अ क्रश ऑन नीलम. मुझे एक भी नीलम की फिल्म याद नहीं है यार. आपने वो नहीं देखी सलमान खान के साथ उसकी फिल्म, जब उसकी याददाश्त चली जाती है? नहीं देखी होगी, वो आई डोंट. चार बच्चे. एनीवे, पॉइंट बीइंग के फॉर मी नीलम्स बिग थिंग वाज वो जो कौन सी फिल्म थी, काजोल और शाहरुख खान की, उसमें वो जो एमटीवी पे कुछ कुछ होता है, मैं जो नीलम का साथ साथ है, मैं नीलम का जो था बहन बनी हुई. एनीवे, पॉइंट बीइंग के जब बॉलीवुड की बात करता हूँ और जब मैं बात करूंगा कि यार बॉलीवुड वाइव्स की बात हो रही है, तो वो ए लिस्ट स्टार्स की आप बात करें. आई एम सॉरी टू बी साउंडिंग रूड, बिकॉज आई नो आई विल साउंड रूड, बट दीज आर बॉलीवुड वाइव्स ऑफ हैज बीन स्टार्स, टोटली, हु वर्न्ट इवन स्टार्स एट एनी पॉइंट. आई मीन संजय कपूर ऑफ कोर्स ठीक है, मेड अ डेब्यू एंड He
ही नेवर हैड अ लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द ऑडियंस. मुझे संजय कपूर की एक वाहिद फिल्म जो पसंद है, जो मुझे लगा कि बेहतर थी, वो सिर्फ तुम थी. वो भी शायद सुष्मिता के आइटम सॉन्ग. नो बट इट वाज अ बेटर फिल्म अमंग्स द फिल्म दैट ही इज डन राइट. अदर देन समीर सोनी जिसकी बीवी नीलम है, वो नीलम इज मोर नीलम बिकॉज़ ऑफ नीलम देन नीलम बिकॉज़ ऑफ नीलम, नॉट बिकॉज़ ऑफ समीर सोनी बीइंग समीर सोनी. चंकी पांडे वाज ठीक है, वाज फनी एंड ठीक है, आंखें देखी सबने. लेकिन गौरी नहीं मानी होगी ना, किरण बेदी नहीं मानी. गौरी आई ना, आई गौरी आई एंड में. प्रॉब्लम ये है कि अगर नहीं मानी तो फिर आपको हम ये आप हमें ये चूरन बेच क्यों रहे हो, ये जो मंजन आप बेच रहे हो. ये तो जाती है नहीं, ये कंप्लीटली नहीं 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 नहीं. चूरन तो बिका है, ट्रेंड कह रहा था ना. चूरन बिका है, क्यों बिका है? चूरन तो बिका है, क्यों बिका है? क्यों बिका है बताया ना. इसलिए कि everybody wants to see the inside of the rich and famous life. But this is not for me. This is not the inside. Oh यार वो पेरिस जा रहे हैं अपने किसी डेब्यू. अब जो बिका है मेरे ख्याल में, अब भावना पांडे जो है, अनन्या पांडे की माँ है, तो मेरे ख्याल में उसको ज्यादा व्यूज इसी वजह से मिले होंगे. नहीं नहीं everybody अगर महीप कपूर का जो उन्होंने पूरा वो दिखाया है, और जिस जो उसकी वो एक तो वो जो कैरेक्टर है पूरा, मैं तो कैरेक्टर ही उन्हें कहूंगा जो वो है, जिस तरह की मतलब seriously what was that? Come on yaar, it's a no brainer. What's a no brainer? You take people into the house of a aap kisi C lister ko bhi aur jo ke ye the B lister ko bhi le aayenge na, kahenge chalo ji ghar dekho, unka lifestyle dekho, unke joote dekho, unke wardrobe dekho. Mujhe usse problem nahi hai, mujhe usse problem nahi hai. Big Boss hai na, aap dekhen Big Boss. मैंने खुद बड़ा बिग बॉस देखा और मैंने बड़ा बिग बॉस देखे. जब आप उसको प्ले, मुझे उससे प्रॉब्लम है जो उसकी प्लेसमेंट हो रही है. आपको लग रहा धोखा हुआ आपके साथ? हाँ जी, ये जो प्लेसमेंट हो रही है ना इसकी शो की, कि दिस इज द फैबुलस लाइव्स ऑफ द बॉलीवुड वाइव्स. आई डोंट कंसीडर देम बॉलीवुड वाइव्स, पहली चीज, बिकॉज मेरे हिसाब से बॉलीवुड वाइफ होती फिर आपकी अनिल कपूर की बीवी सुनीता होती. मैं कहता यार आप उसको लेके आ गए, संजय दत्त की बीवी मान्यता को आप लेके आ जाते, मैं कहता वो चलो ठीक है. अब बाकी सारे एक्टर्स हैं उनकी बीवियां खुद एक्ट्रेसेस हैं, तो मैं बोलूं कि मतलब क्या आप अजय देवगन यू कांट ना, यू कांट हैव अक्षय कुमार की, चलो ट्विंकल खन्ना आप लेके आ जाती, सैफ की पहली बीवी अमृता सिंह आप लेके आ जाते. मैं ये नहीं कह रहा कि ये लेके आते, बट दीस आर योर रियल बॉलीवुड वाइज. बॉलीवुड वाइज ये भी है, सिर्फ ये होता द फैबुलस लाइव्स ऑफ बी ग्रेट बॉलीवुड वाइज वुड हैव बीन अ बेटर टाइटल. बट ऑफ कोर्स द प्रिटेंशियस मेड अप lives of wives of Bollywood has been stars. This is what it was. हाँ ये हो सकता है, ठीक है ठीक है. अगर 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 इसको ऐसे पिच करते तो मैं कहता चलो ठीक था, मैं शायद फिर ना देखता. लेकिन जब वो इस तरह प्लेस करते हैं ट्रेलर में, उन्होंने शाहरुख खान को डाल दिया कि शाहरुख खान आएगा एक एपिसोड में, गौरी खान आएगी, रवीना टंडन का बीच में आपने कैमियो डाल दिया. आई मीन कम ऑन, इट्स अनफेयर. मैंने तो एक दो एपिसोड देखी, उसके बाद मैंने कहा दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी, आई शिफ्टेड टू द क्वींस गैम्बिट. नहीं मैंने तो पूरी 8 किस्तें देखी. तो आपने क्यों देखी फिर? मैंने इसीलिए देखी. आप फिर ज़िबाइश भी देखी? मैंने कहा कि क्या दिखाना चाह रहे हैं. नहीं नहीं हर एक कंटेंट होता है ना कि एंटरटेनिंग होता है कंटेंट, एंटरटेनिंग ये था ठीक है, बट बियॉन्ड बीइंग एंटरटेनिंग इसलिए था बिकॉज़ इट्स सो बैड. समटाइम्स यू वाचिंग समथिंग व्हिच इज सो बैड दैट इट कम्स सो गुड राइट. अच्छा मैं आई थिंक व्हेन यू क्रॉस 40 यू स्टॉप डूइंग दैट. मैं नहीं देखती अब, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट्स सो बैड यू वॉच इट. बहुत कम चीजें ऐसी होती हैं जो मैं देखती हूं कि इट्स सो बैड दैट आई वांट टू वॉच इट. अब अगर इफ इट्स सो बैड आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम, आई डोंट हैव द टाइम. टाइम इज लाइक क्या कहते हैं वो डेलिकेसी. You know, I don't have the time to watch. But you had time to watch 365 days. I did. And that little 16-year-old girl in me, somewhere inside, who used to read Mills and Boons, was like, oh my God, they've put this on a movie now, a Pone Do Ghante ki format. But like I told you, when I forward karke dekha, Pone Do Ghante ki film, shayad maine 40 minute mein khatam kar li thi. Why I'm bringing up 365 days? Ek to ye ki yaar, मैं जब मजाक कर रहा होता तो आई वुडंट थिंक यू गाइस आर टू नाइव एंड टू इनोसेंट कि आपको मेरे मजाक समझना आ रहे हो. ओह गॉड हेल्प, कैन वी नॉट गो देयर अगेन, कैन यू नॉट एड्रेस. नो नो, आई एम नॉट एड्रेसिंग एनीबॉडी. आई एम जस्ट सेइंग दैट एज द रीजन व्हाई आई स्टार्टेड वाचिंग 365 डेज इज नॉट बिकॉज़ कि मुझे न्यूडिटी इंटाइस करेगी. आई मीन एट द एज वेयर आई एम बीइंग अ मैन एंड देन लाइक यू नो जो मैंने एक्सप्लोर जो कुछ करना था आई हैव एक्सप्लोर्ड दैट टू डेकेड्स अगो, सो नथिंग इंटाइसेस मी. आई एम सेइंग दिस बिकॉज़ ये डिस्क्लेमर देना इसलिए जरूरी है कि 365 डेज देखने का मकसद क्या था. मुझे जेन्युइनली वो बात
फैसल कुरैशी का जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने ये बात बोली थी कि यार कि जब हमारी आपस में बात हो रही थी 365 डेज आया तो हमने कहा यार ये मुकद्दरी तो है और क्या है। और कल जब मैंने देखा 365 डेज को तो मुझे असल में लगा कि प्रेमिस इज लाइक मुकद्दर। एक लड़की है, लड़की को किडनैप कर लिया, किडनैप करने के बाद उसने कहा कि मैं तुम्हें 365 डेज दिए, तुम मेरे से प्यार में आ जाओ, और उस प्यार में वो फिर अपने जी सर, कैन आई प्लीज से, जी पहली बात तो ये है कि ओपनिंग सीन में बताते हैं कि उसका बाप कह रहा होता है कि जो चाइल्ड ट्रेड है उसमें वी डोंट गेट इनटू दैट काइंड ऑफ बिजनेस, जी सो गलत काम वो नहीं कर रहे। मासिमो और उसका बाप गलत काम उस वक्त नहीं, माफिया। ओ भाई माफिया है बट कोई तो मॉरल्स है ना उनके, वो कह रहे हैं चाइल्ड ट्रेड में हम नहीं करेंगे, ओ राइट। कोकेन जो बेच रहे हो, ओ आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं आप? मैं जो कह रही हूँ मुझे बकवास करने दें अगर आप तो सुन लें, ठीक है ना, वो चाइल्ड ट्रेड को नो कहते हैं। फिर उसको वो विजन नजर आता है उस लड़की का जब उसका बाप मरता है और वो कहता है ये विजन ने मुझे जिंदा रखा है इतनी हाँ। देर, और वो करता है। ऑफ कोर्स मुकद्दर है, लेकिन उन्होंने प्रेमिस हल्की सी दे दी ना कि उसके बैकग्राउंड है कि उसके बाप को मारा था, उसके दिल से गोली निकलती भी मुझे लगी आके। आई मीन लुक एट हाउ इंडियन फिल्म इट इज। वो तो ठीक है, लेकिन मैं तो हाँ इस प्रेमिस की बात हाँ और ऊपर करूं, से वो कहता है आई विल नॉट टच यू अंटिल इट्स योर कंसेंट, बट ही ही इज नॉट कंटिन्यूज टू डूइंग टच देन, विद हर कंसेंट। नॉट विद नो हर नो शी कंसेंट, हैज देर आर कंसेंट, शी प्लेंटी, कंसेंट टोटली। आई ओ डोंट वॉन्ट टू प्लीज गेट इन टू ग्राफिक डिटेल्स, बट देर आर सीन्स एंड आई विल टेल यू आफ्टर वॉचिंग द मूवी आई वेंट ऑनलाइन एंड आई स्टार्टेड रीडिंग द वाई आई वॉन्ट टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन, कि मैंने देखा कि इसका इंटरनेशनली रिएक्शन क्या हुआ। बिकॉज या मैंने जब देखा तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये थी, आपने एंड में बोला कि मासिमो को उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया, बिल्कुल किया, 100% किया, इवन एंड पे भी उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया। आप इस सिचुएशन को रिवर्स करें, मुकद्दर की अगर हम बात करें, अगर सरदार सैफ को मारने की बजाय रायमा को मार देते तो क्या होता? हम यही कहते ना, वाह यार वो जिसको किडनैप किया उसको मार दिया, सरदार सैफ को क्या सजा दिन मिली, दिन दर्द आता फिर रहा है। आता फिर रहा है, कल को हाँ उसने किसी और उसको पसंद आ और जानी तो है, हम कौन सा कह रहे हैं ऑस्कर वर्दी कंटेंट है। ऑस्कर वर्दी कंटेंट ही है, हाँ बट टू कॉल इट आउट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इंटरनेशनली देन आई वेंट एंड चेक्ड, पिटिशन लोगों ने 90,000 पीपल हैव ऑलमोस्ट साइंड अ पिटिशन वेयर दे हैव सेड कि यार कि ये ग्लैमराइज करता है स्टॉकहोम सिंड्रोम को, ये ग्लैमराइज करता है किडनैपिंग को, ये ग्लैमराइज करता है सेक्सुअल असॉल्ट को। देन डफी हु इज एन आयरिश सिंगर, शी एक्चुअली रोट एन ओपन लेटर टू द सीईओ ऑफ नेटफ्लिक्स, शी सेड दिस इज एग्जैक्टली समथिंग दैट हैज हैपेंड टू मी। दैट वुमन सेड के आई वॉज एट अ रेस्टोरेंट, फ्रॉम दैट रेस्टोरेंट आई वॉज किडनैप्ड, आई वॉज पुट ऑन अ प्राइवेट प्लेन, आई वॉज टेकन समवेयर वेर आई हैड नो आइडिया वेर आई वॉज गोइंग, आई वॉज ड्रग्ड, आई वॉज केप्ट फॉर 4 वीक्स एंड रेप्ड। एंड सो वेन आई एम वॉचिंग दिस एंड सो आर सो मेनी अदर वुमेन हु आर रेप्ड एंड हु आर किडनैप्ड एंड हु आर इन अ सिमिलर सिचुएशन, हाउ द हेल कैन यू पुट समथिंग They're अप, romanticizing it. रिमूव इट फ्रॉम नेटफ्लिक्स। सो ऑल दिस कॉन्वर्सेशन Have मेड मी, they removed cuties? Cuties थी ना वो फिल्म क्यूटीज थी एक और जिसमें फिल्म। हाँ जिसमें तो छोटी बच्चों को बात यह कि जब इस तरह का कॉन्टेंट इंटरनेशनली भी बनता है लोग आवाज उठाते हैं, ऑफ कोर्स देर इज नथिंग रॉन्ग विद द फैक्ट कि जब हम पाकिस्तानी कॉन्टेंट अगर देख रहे हो या हम इंडियन कॉन्टेंट देख रहे हो या हम हॉलीवुड कॉन्टेंट देख रहे हो या यूरोपियन फिल्में देख रहे हो, अगर आपको आपको उस चीज में कोई बुराई नजर आती है आप उस पर आवाज उठानी चाहिए, आपको उसके फ्लॉज पॉइंट आउट करने चाहिए। इस वक्त तो मैं तो 365 डेज की न्यूडिटी और वो सारी चीजों की बात नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं यार कि दिस इज टू, जैसे आपने कहा दिस इज टू मच फॉर मी, मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, बट मैं तो इस वक्त उसकी प्रेमिस की बात कर नहीं रहा हूँ। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखें कि हो हाय करने वाले जितने लोग थे कि ओहो आपने देखा यार इट वाज ट्रेंडिंग नंबर वन इन पाकिस्तान। इवन विद 365 डेज देर आर थाउजेंड्स ऑफ, एंड आई रिसर्च दिस, आप लोग भी जाके देखिएगा, देर आर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज ऑन टिकटॉक ऑफ पीपल हु आर रोमांटिसाइजिंग 365 डेज। टीन एज बॉयज एंड गर्ल्स हैव पुट अप देयर वीडियोज शोइंग ब्रूजेस दैट वी हैव आइदर एक्सपीरियंस समथिंग सिमिलर टू व्हाट हैज हैपेंड इन 365 डेज और वी वांट टू एक्सपीरियंस व्हाट हैज हैपेंड इन तो 365। हसन ये आज की बात नहीं है, दिस गोज बैक इन टाइम इमेमोरियल। व्हाट इज ब्यूटी एंड द बीस्ट यार, वो वो उसको तो अगवा ठीक करके है, ले जाता है एंड देन वो प्रेमिस ही होती है। चुड़ैल कहती ही है कि इफ समबडी फॉल्स इन लव, अ वुमन नीड्स टू फॉल इन लव विद यू टू ब्रेक द स्पेल। बट आई एम ना वीक्स ऑन एंड वी सिट एंड वी से दैट टाइम्स हैव चेंज्ड, लुक एट व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड इन एक्स वाई जी कंट्री, लुक एट हाउ इंटरनेशनल, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट शिटी कंटेंट इज बीइंग क्रिएटेड एवरीवेयर इन द वर्ल्ड श्योर एंड इट कंटिन्यूज टू बी क्रिएटेड बिकॉज पीपल आर वॉचिंग इट, दैट्स द प्रॉब्लम। पीपल जब तक आप अपने लोगों को, अब मुझे नहीं पता जो कॉन्वर्सेशन में जिस पे फाइनल कंक्लूजन पे जा रहा हूँ नहीं वो आप ये, फाइनल कंक्लूजन में ना जाएंगे, मुझे ये कहना है कि अगर शिटी कंटेंट बन रहा है 365 डेज बन रहा है तो दूसरी तरफ क्राउन और क्वींस गैम्बिट भी वहां बन रहा है नेटफ्लिक्स पे, अच्छा कंटेंट भी बन रहा है नेटफ्लिक्स पे,
आपको जहाँ बैलेंस नज़र आ रहा है, मैं तो उस स्कूल ऑफ थॉट से ही नहीं हूँ कि ऐसा कंटेंट बने ऐसा नहीं बने. जो बुरा है लोग आवाज़ उठाएंगे, और नहीं देखेंगे अगर तो लेकिन लोग देख रहे हैं. यही तो मेरा प्रॉब्लम है. तो देखते तो यार. अच्छा उन्होंने मैं ब्यूटी एंड द बीस्ट अब तक लोग देख रहे हैं ना. कल मैं एसेंशियली इट्स 365 डेज. कल मैं फोर्ब्स का देख. कैन यू प्लीज. यस आई एक्नॉलेज दैट. वी हैव सेड दैट इवन व्हेन वी वर I mean 365 days is it? वो असल में तो वो शहजादा होता है और वो होता है और स्पेल ब्रेक होती है and you fall in love with me. I mean what is sleeping beauty? A prince may must come and kiss you to wake her up from the spell. But so I mean it's all the same thing. आप सब सही कह रहे हैं. But यही तो बात है ना. Over time have the audiences and have the content makers not evolved? Have human beings evolved over time? Of course they've evolved. Hell no. What are you saying? Amna? So many things have changed. Yaar. Very People slow. Hasan, बहुत minority है. तो very slow क्या तो beauty and the beast कोई कल की बात तो नहीं है ना यार. कितने सालों की 100 सालों पुरानी. मैं कह रही हूँ एक minority है जो recognize कर रही है जो आप कह रहे हैं. Majority is making a trend on number one. Majority is making a drama like is watching Mukaddar. Majority is watching Jalan. It is a minority. A Queen's Gambit. आपने देखा Queen's Gambit? नहीं मैंने. Exactly. You were intrigued. You were intrigued enough to watch 365 days. You're not intrigued to watch Queen's Gambit, which was also trending. So exactly my point. I'm very intrigued. I rest my case. My lord, I rest my case. I'm very intrigued to watch Queen's Gambit. But I will watch it. But you didn't. I will watch it. But you didn't. But you see, the key difference here is that when I watch Mukaddar and when I'm watching 365 days, I don't go gaga over it and I say, wow, I want to be Massimo and I want to be Saif. Again, you're a minority. That's what I'm saying. Jo majority hai phir. Majority ka jo point of view hai. Like, you know, for example, yaar. अगर आप इसकी एंड बाय द वे ग्लोरीफाइंग बाय द वे कैन आई जस्ट से दैट श्योर ही दे ग्लोरीफाइड मासिमो बगैर वो ग्लोरीफिकेशन निकाल के आई मीन यू लुक एट हिम एंड यू से वुड वुमेन नॉट वांट टू बी विद अ मैन लाइक दैट हु इज रिच पावरफुल हु सेइंग मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा जो तो तुम्हारी कंसेंट नहीं होगी एंड हु दुनिया उसके कदमों में रख देता है शादी का प्रपोजल भी दे देता है पूरी हाँ आई मीन या तो सरदार साहब भी तो यही था. यही बात है ना भाई. ये नहीं था सरदार साहब जबरदस्ती शादी करता है. कॉन्टेक्स्ट और उसके सोशल अगर आप नहीं मैं नहीं एग्री करती. सरदार साहब जबरदस्ती उससे शादी करता है उसको मैरिटल रेप के इंडल्ज करता है. सरदार साहब की पहले एक बीवी होती है उसको वो ह्यूमिलिएट कर रहा होता है. सरदार साहब डिडंट लुक लाइक मासिमो नाइदर डिड ही हैव द टैटूज एंड ऑल ऑफ दैट पैराफर्नेलिया और द प्राइवेट जेट्स एंड ऑल ऑफ दैट. So yeah, of course they're romanticizing it. Of course it's wrong. Nobody says they're it's right. Glamorizing kidnapping. I learned a new word. Hum jo kehte hain na, totally. Normalizing or glorifying. And I will reiterate that Beauty and the Beast glamorized kidnapping like centuries ago. So should we? And so again, has human being changed over years? No. No. So should we still be stuck in what Beauty and the Beast has done like a century ago, or should we move on? But apparently we are. That's the dilemma of today's hot bites. Yeah, should we move on? Should the audience evolve? Should the audience remain stuck in this rut? के where अगर कोई किसी को kidnap कर रहा है और किसी को जैसे हम देखते हैं again Bollywood फिल्मों की बात करें stalk करके और गाने गा के और आवाजें कस के अगर heroine को फंसाया जाता है. अगर आज भी 2021 शुरू होने वाला है हम उसी rut में रहेंगे और उसी rut में हमें फंसे रहना है तो फिर what is the point? Well, there is a point because gradual evolution तो होगी. हो रही है. By the way, मेरे हमारे household में growing up हमारे पे कोई बंदिश नहीं थी of watching anything. We were not stopped कि ऐसी किताबें पढ़ो और ऐसी किताबें नहीं पढ़ो, ऐसी फिल्में देखो और ऐसी फिल्में नहीं देखो. खुली छूट थी, लेकिन moral gauge वो इतना strong था माँ बाप ने डाला हुआ कि ये सही है ये गलत है कि वो देख के आपके you see Hasan now that we are responsible for the next generation for ourselves and for the next generation. हमें फिल्टर्स इतने स्ट्रांग बनाने हैं कि आपका दिमाग फिल्टर खुद ही करे कि नहीं यार ये बकवास है ये नहीं देखना या ये सही है ये देखना है. व्हाई आर वी वाचिंग इट फॉर किक्स? व्हाई वुड आई वेस्ट टाइम ऑन इट? नो आई वुडंट. एक छोटी सी बात मैं एडिशन करूंगा आपकी पूरी बात में. आप सही कह रही हैं बट वो जो मॉरल गेज है ना वो मॉरल गेज इंसान का इस्टेब्लिश इस तरह से भी होता है जब वो किताबें पढ़ता है और जब वो कॉन्टेंट देखता है. राइट जिस तरह से वो कॉन्टेंट प्लेस्ड होता है ना वो आपके मॉरल गेज को इफेक्ट करता है.
अगर आपका मॉरल गेज उतना स्ट्रांग नहीं है जितना बिल्कुल, आपका है बिल्कुल, और मैं अगर फ्रिंजेस पे हूँ और मैं अगर मुकद्दर देख रहा हूँ और मैं अगर 365 डेज देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ यार कि इस तरह होता है और इवेंचुअली लड़की को प्यार हो जाता है, मैंने उसको किडनैप किया, सेक्सुअली असॉल्ट किया, जो भी किया, बट एट द एंड ऑफ द डे दिल से तो मैं प्यार करता था, दिल से मैं प्यार करता था एंड शी फॉल्स इन लव विद मी, तो इट इज ओके. बिल्कुल बिल्कुल. देन एनीबॉडी कैन गेट अ लाइसेंस एंड गो एंड किडनैप वुमेन एंड सेक्सुअली असॉल्ट देम, यार ये गलत बात होगी ना. So, content के ऊपर responsibility है. Total है. And I don't want to come out being like misunderstood in this conversation by saying कि oh, आमना कह रही थी कि it's okay for 365 to glamorize and romanticize kidnapping. It's not. It's absolutely not. मुझे नहीं लगा कि उन्होंने इतना glorify किया था मासीमों को in the film जितना मुकद्दर में किया गया था सैफुर्रहमान को. I didn't feel that. I felt that they gave him a bit of a human touch by killing his father. And giving him that kind of context कि ये ऐसा क्यों हुआ और ये इस लड़की के पीछे इतना क्यों भागा. It wasn't just because she was a pretty face. It's because she was the figure that gave him hope in that very difficult time. उसकी वजह से वो ठीक है. But he did kidnap. और absolutely the kidnapping and all was wrong. Kidnap किया उसको उसकी will के against रखा बांधा और बोला मैं एक साल तुम्हें कैद करके रखूँगा. तो वो जो premise होगी फिर वही बात होगी ना. हाँ. Highway की भी हम बात करते हैं. उसमें रणदीप हुडा के character को glamorize. अब आप कहें किया है नहीं किया है, एंड में तो वो मर जाता है और उसको मिल जाता है जो उसका he gets what he deserves. Of course kidnapping is wrong. How can we justify crimes? We can't, right? We can't, yeah. So when content creators do that, it's a bit problematic. You agree then? Of course, right? Because that's what content creators are doing. I don't know. Ted Bundy tapes se bhi puri puri series bani hui hain, documentaries bani hui hain. Would they influence somebody to do what Ted Bundy did? Sure they would. But Amna, we've already established that content does influence people in one way or the other. Yeah, of course, of course. So jab content influence karta hai, to phir obviously is tarah ka content bhi influence karta hoga. I mean, 13 reasons why influence kar raha tha na. Kar raha tha suicides ko. Exactly. Of course. To karta hai. Karta hai na. So where are we going with all of this? Where are we going with all of this? The thing is ki hum, big dilemma. Hum, मुझे ऐसा लगता है कि हम सब, मैं, आप, हम सब, हमारे व्यूअर्स, हम हमेशा अपने कॉन्टेक्स्ट में चीज देखते हैं कि मैं ये देख रहा हूँ, मुझ पे अगर इस चीज का इम्पैक्ट अगर उस तरह से नहीं आ रहा जैसे आप कह रही हैं, आपको लगता है कि मसीमो को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, दैट्स फाइन फॉर यू, दैट्स फाइन. I didn't say glorify नहीं किया गया. आपको ऐसा लगा? They gave him a backstory. उस extent पे. हाँ. उस extent पे नहीं किया गया. उस extent पे जिस पे सरदार सैफुर्रहमान. मुझे लगता है कि काफी extent पे किया गया. So अपना अपना perspective होता है इंसान का, right? तो कभी कभी हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारा पर्सपेक्टिव, अगर हमें ये बात इतनी आसानी से समझ आ रही है तो फिर किसी और को क्यों नहीं समझ में आ रही. नहीं, बहुत हर बंदे के साथ पूरा लाइफ टाइम ऑफ बैगेज होता है. मैं यही कह रहा हूँ ना, हर किसी को वो बात समझ में नहीं आएगी. हर एक को एक चीज समझने का उसका अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है, उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है. बट एनी वे आई थिंक दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन. वी वुड डेफिनेटली वॉन्ट योर फीडबैक ऑन दिस, बिकॉज आप लोगों का फीडबैक से हमें ये अंदाजा होगा कि हमारी कॉन्वर्सेशन का जो हम एक्चुअली जिस कंक्लूजन पे पहुंचना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या हमारा एक कंटेंट ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, ओवर दिस इयर्स एंड प्रोबब्ली द लास्ट डेकेड और टू, आपको लगता है कि इवॉल्व किया है या नहीं किया, आपको लगता है कि जो कंटेंट क्रिएट हो रहा है वो आपको इम्पैक्ट करता है या नहीं करता, अगर इम्पैक्ट करता है तो किस. हाँ, मैं ये सुनना चाहूंगी ऑडियंस की कि डज कंटेंट इम्पैक्ट देम, डज इट इम्पैक्ट देम. So like if like watching a 365 days or watching a Mukaddar or watching a Fabulous Lives of Bollywood Wives, what kind of impact do these programs have on you? Because hum hamesha jo baat karte hain hum local content ki baat karte hain, to thoda hum international content ke point of view se bhi samajhna cha rahe hain ki aap logon ka kya perspective hai uske upar. Theek hai. Anything else you'd like to add? नहीं, काफी ये heated discussion. Heated थे, मजा आया. ये असल में hot bites था. Hot हो गया था. Hot bites था असल में. And I think आमना, मुझे लगता है कि moving forward हमें हफ्ता, दो हफ्ता, तीन हफ्ता छोड़ के international content को करना चाहिए. उसके ऊपर बात करना चाहिए. Queen's Gambit की आपने बात की, मैं देखूंगा. मैं वही कह रही हूँ कि as an influencer myself and we are both of us, मैं ये कहूँगी कि अपने personal filters को strong करें और जो ऐसा sensationalize किया हुआ content है उसको मत देखें. मत देखें. Why would you subject yourself to that? जैसे आप हॉरर फिल्म नहीं देखते, आप कहते हैं कि जी मुझे डर लगता है. मुझे डर लगता है. आप इन्फ्लुएंस होते हैं तो आप मत देखें बिल्कुल. तो इसी तरह अगर कोई चीज़ आपको नहीं लग रही कि ये मॉरली सही है या कुछ, पता चल जाता है, आप मत देखें. मैंने क्या देखा इन द लास्ट फ्यू वीक्स, व्हाट आई रियली थॉट वाज ग्रेट, आई थॉट द वे क्वींस गैम्बिट वाज डन वाज सो वेल, मेरी अंग्रेजी चेक करें,
Queen's Gambit was produced and directed and written so strongly. It was, I mean, इतना खूबसूरती से वो मिनी सीरीज है. मैं बार बार सोच रही कि अगर ये पाकिस्तान में बने तो यू नो सनम सईद वुड बी सो परफेक्ट इन इन द रोल. एंड या आई मीन इट वाज सो वेल डन. ग्रेज एनाटॉमी मुझे लगता है कि अब मुझे देखते रहे घबराहट हो रही है बिकॉज दे हैव टेकन अस सो डीपली इनटू कोविड दैट मुझे देख के ना अब मुझे डर लगता है कि अब पता नहीं कोविड में क्या होने वाला है. यू नो सम लव्ड वन हु हैज कोविड विल दे सर्वाइव और नॉट एंड हाउ बट अगेन दैट्स व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू आर सेइंग कि द इन्फ्लुएंस ऑफ गुड टेलीविजन is that it affects you, right? So even bad television affects you, but you've got to determine now ke, what is good and what is bad. And it goes back to the but conversation. But Grey's Anatomy, and I'm sure this is what they want to do. They want to impact people. Ke dekho and be responsible. Wear a mask. Distance and karo. Exactly. And yehi ho raha hai. Mujhe itna ho raha hai ki mujhe ab agli kis dekhte hai ghabraat ho rahi hai. Ki main dekhun ki nahi dekhun. You know? I don't know what's going to happen next. So ye do the bahut achhe. और क्या नेटफ्लिक्स पे चल रहा है आजकल? ओह मैं तो देख रहा था वो पुरानी फिल्में भी काफी ट्रेंड कर रही है. कुछ ना कुछ ट्रेंड करता रहता है नेटफ्लिक्स. बट अभी जो आपने आखिरी कंक्लूडिंग बात की ना ये आमना इन अ वे देखें तो ये वही बात है कि जो हम बात कर रहे थे कि अगर एक्टर्स के पास 8 मिलियन है तो वो उस पावर को कैसे रिस्पॉन्सिबिली उसका इम्पैक्ट लेके आए. तो कॉन्टेंट क्रिएटर्स के पास भी मिलियंस ऑफ सब्सक्रिप्शंस है. अगर हम नेटफ्लिक्स की अगर आप बात करें या अमेजोन प्राइम की बात करें या वैसे जो हमारे ड्रामे बना रहे हैं लोग you've got a viewership of over millions of people. Certainly, right? जी. So, वो उस viewership को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो जो आपके पास पावर है आप लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. खाली उनको एंटरटेन कर रहे हैं एंटरटेन करने के साथ साथ मैसेज भी दे रहे हैं. मैं कह नहीं रहा कि होना कैसे चाहिए बट उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है या आप गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं अपने कॉन्टेंट के साथ. तो इस सब चीजों के ऊपर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा. कल हम कोशिश कर रहे हैं थर्सडे को आपको कोई इंटरव्यू दिखा दें. किसका इंटरव्यू होगा उसके लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. आमना भी कोशिश कर रही है. आप लोगों ने जब कहा आमना को कि आमना कुछ आप भी इंटरव्यू करें तो फाइनली आमना ने अपना फोन उठा के घुमाया 2-3 जगह पे. शी इज इन टच विद अ फ्यू पीपल. सो हम दोनों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें ताकि पता लगे कि अगला इंटरव्यू कौन करेगा. जुम्मे को आपसे मुलाकात होगी अब द हॉट रिव्यू के साथ. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. हाँ जाने से पहले बता दूं कल सिराजुल हक जो कि राजुल्फत के डायरेक्टर हैं उनका इंटरव्यू हमने चलाया था. अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा. अब इजाजत दीजिए. मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह जुम्मे को. खुदा हाफिज़.